आज यानी 9 जून को मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन मोदी के शपथ ग्रहण से पहले कैलाश विजयवर्गीय के निशाने पर राहुल गांधी आ चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय राहुल गांधी को लेकर क्या बयान दे रहे हैं। नहीं, अब अच्छा है, विधानसभा में लोकसभा में बैठने का उत्साह रहेगा कि पता नहीं कब क्या बोलेंगे, कब हंसी का माहौल हो जाएगा। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले राहुल गांधी की तारीफ की थी। कैलाश ने तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बयान दिया था। आइए सुनते हैं उनका वो बयान। और राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, इतने गांव-गांव दौड़ लगाई, जिम विम करी उन्होंने, सब जगह जाके थोड़ा बहुत अगर उनका भी पड़ गया तो। देखा आपने, इसे ही राजनीति कहते हैं। कब कौन राजनीति में किसे अच्छा लगने लगे और कब कौन किसी को खराब, ये तो सिर्फ और सिर्फ नेता ही जानते हैं। ये खबर हम आप तक हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार।